मुकेश चंद माथुर, ये नाम कुछ अटपटा सा लगा और ऐसा भी हुआ होगा कि आपको पता ही नहीं हो कि ये मुकेश चंद माथुर कौन है। कुछ लोगों को पता होगा बट सभी को पता हो ऐसा नहीं हो सकता, और सभी को पता नहीं ही हो ऐसा भी नहीं हो सकता। कुछ को पता होगा, कुछ को पता नहीं होगा। और मुकेश, अगर मैं सिर्फ बोलूँ मुकेश, तो जो ओल्ड पुराना गाना सुनने के शौकीन हैं उन्हें मुकेश नाम से एक चेहरा सामने आया होगा। मुकेश कुमार, जिन्होंने जिनके गाने पे सभी झूमने को मजबूर हो जाते हैं, वो चेहरा ज़रूर सामने आया होगा। तो आज हम बात कर रहे हैं मुकेश की, सिंगर मुकेश, पुराने ज़माने के सिंगर मुकेश, वो सिंगर मुकेश जिन्होंने गाया मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है। गाना लिखा था शाहिर जी ने, लेकिन आवाज़ दी थी मुकेश ने, अब तो याद आया होगा। और मैं एक और गाना बता देती हूँ, मेरा जूता है जापानी। और एक गाना बताती हूँ, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, साहिर जी का लिखा हुआ। अब तो पहचान गए होंगे कि कौन है मुकेश। और मम्मी पापा दादा दादी नाना नानी, इन सब से तो बहुत सुने होंगे मुकेश के गाने। आखिर उनकी आवाज़ ही ऐसी होती थी और उनका गाना ओह बहुत मज़ेदार मुझे लगता था, लगता है। मैंने बहुत सेव करके रखा है, लाइक करके अपने मोबाइल में। तो आज हम बात करते हैं इसी महान हस्ती के बारे में, मुकेश चंद माथुर। पूरा नाम लेने में तो मुझसे नहीं होगा बार बार, मुझे भी नहीं पहले पता था कि इनका पूरा नाम मुकेश चंद माथुर है, तो मैं सिर्फ इन्हें मुकेश बोलती हूँ और शायद आप लोग भी मुकेश ज़्यादा समझेंगे। तो मुकेश जी का जन्म 22 जुलाई 1923 को दिल्ली में हुआ था, जो कि डेफिनेटली हमारे भारत में पड़ता है। और ये जो गाना गाते थे वो गाना था गज़ल, शास्त्रीय संगीत, भजन, फिल्मी गाने। मैंने जब इसे इनके बारे में रिसर्च किया तो मुझे दो चीज़ें सामने आई थी इनके जन्म को लेकर। एक तो 22 जुलाई 1923 को इनका दिल्ली दिखा रहा था भारत, और एक आ रहा था 22 जुलाई 1923 को ही, लेकिन लुधियाना के जोरावर चंद में। अब मैं इन दोनों में कंफ्यूज थी क्योंकि लुधियाना तो पंजाब में है और दिल्ली तो दिल्ली में है। शायद मुझे रिसर्च करने में कुछ गड़बड़ी होगी क्योंकि दिल्ली और पंजाब दोनों आसपास है, अगल बगल में, तो इसलिए मुझे कंफ्यूजन हो रही है। तो आप अगर जानते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे जो चीज़ नहीं पता होती है उसके बारे में कुछ अजीब सा होने लगता है जो मुझे पता होना चाहिए, ताकि मैं उन्हें लिख के रख लूँ और शायद आगे फिर कभी इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ तो मुझे काम आ जाए। तो मुझे कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा कि इनका जन्म कब हुआ था, जन्म कहाँ हुआ था कब। तो दोनों जगह 22 जुलाई मिल रहा था, 1923 मिल रहा था, लेकिन ये बर्थ प्लेस के बारे में मुझे कंफ्यूजन हो रहा है। जहाँ पे मुझे लुधियाना मिला था वहाँ पे चंद माथुर और चांद रानी का घर घर में इनका जन्म हुआ था। ये मुझे, मैंने जब इन्वेस्टिगेशन जो भी कहें आप वो किया, तो और इनको कहें कि इन्हें अगर मैं कहूँ कि ये सिंगर नहीं बनना चाहते थे, ये एक हीरो बनना चाहते थे, फिल्मी हीरो बनना चाहते थे, तो आपको अटपटा सा लगे। इन्होंने काम भी किया था फिल्मों में, लेकिन वो फिल्म फ्लॉप हो गया था, जिसके बाद इन्होंने फिल्मों में काम करना छोड़ दिया था और फिर ये अपने संगीत की दुनिया में लौट आए और अपने प्यारे से आवाज़ से हमारे कान में प्यारे प्यारे से बोल बोलते रहे।
इनकी बहन, इनके घर में इनकी बहन संगीत की शिक्षा लेती थी, ये नहीं लेते थे। और अपनी बहन को ही देखकर कुछ कुछ संगीत इनको भी आ गया, क्योंकि आप अपने आसपास जो होते हुए देखते हो तो उस वो आपको भी थोड़ा बहुत आ जाता है, आपके गांव में, आपके शहर में, आपके आस पड़ोस में, जो भी आप देखते हो। 1941 में ये मुंबई आ गए थे और ये अभिनेता बनना चाहते थे। इन्हें फिल्म में, एक फिल्म में मुंबई आने के बाद निर्दोष फिल्म में एक्टर का रोल मिला था। इनकी जो शुरुआती दिन था काफ़ी मुश्किलों से भरा था। मेरी लैंग्वेज में कुछ इधर उधर हो जाता है, मुझे उतना बोलने की आदत नहीं है, तो आप मैनेज कर लीजिएगा। तो KL सहगल को इनकी आवाज़ पसंद आई और उस दौर में मुकेश की आवाज़ में सबसे ज़्यादा गीत दिलीप कुमार जी ने गाया के ऊपर बने थे। दिलीप कुमार मतलब यूसुफ़ खान, आप यूसुफ़ खान तो शायद कोई नहीं जानते होंगे, दिलीप कुमार शायद जानते हों और मेरे फेवरेट भी रहे हैं, वो रहे नहीं हैं, हैं मतलब मैं डिवाइड किए हुए हूँ कि पुराने ज़माने के हीरो को मैं अलग रखती हूँ अपने फेवरेट में, नए ज़माने के अलग। तो इस तरह से दिलीप कुमार मेरे बहुत फेवरेट हीरो हैं, और भी कुछ हैं, जब उनके बारे में मैं आपको बताऊंगी तब उसमें मैं आपको बता दूंगी कि क्या ये मेरे कितने फेवरेट हैं, और दिलीप कुमार भी उनमें से एक हैं। 50 के दशक में इन्हें राज कपूर की आवाज़ कहा जाने लगा, क्योंकि राज कपूर के ऊपर इन्होंने बहुत से गाने बनाए थे। ये बाद में फिल्म निर्माता बन गए। 1951 में फिल्म मल्हार और 1956 में फिल्म अनुराग निर्मित की। इनका जो बचपन का शौक़ था ना, ये अब धीरे धीरे जागने लगा था, और इसलिए इन्होंने माशुका और अनुराग में हीरो का भी रोल प्ले किया। लेकिन बॉक्स ऑफिस में ये दोनों फिल्में पूरी तरह से फ्लॉप रही, और अपने इस गलती से उन्होंने सीख ली। लेकिन मुकेश जी ने अपने गलती से सीख ली और ये फिर से गाने की तरफ लौट आए। कहते हैं कि इस समय वे बहुत ज़्यादा आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे, अपनी गलतियों से सबक लेते हुए वो फिर गानों की तरफ मुड़ गए। मुकेश का पहला गाना था दिल जलता है तो जलने दे। इनका आखिरी गाना अपने दोस्त राज कपूर के लिए गाया गया था, लेकिन फिल्म के रिलीज़ होने के 2 साल पहले इनकी मौत हो गई। जब इनकी मौत हुई तो ये US के दौरे पे थे, घूमने गए थे, और शायद हार्ट अटैक के वजह से इनकी मौत हो गई थी। 27 अगस्त 1976 को सिर्फ 53 साल की उम्र में इनकी मौत हो गई थी। और आपको मुकेश जी कैसे लगते हैं, उनका गाना कैसा लगता है मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे लगते हैं उनका गाना। मैं ज़्यादा का आवाज़ नहीं पहचान पाती, लेकिन मैं अक्सर जो पुराना गाना होता है जो मुझे अच्छा लगता है उसके सिंगर को मैं ढूंढती हूँ, और तब मुझे पता चलता है जो इन्होंने ये गाना गाया था। मैं ज़्यादातर सिर्फ आवाज़ पहचान पाती हूँ लता जी की, क्योंकि मैंने बचपन से सबसे ज़्यादा गाना उन्हीं का सुना है। और मुकेश जी का जो मुझे सबसे अच्छा गाना लगता है वो है कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, साहिर जी का लिखा हुआ। मुझे ये गाना बहुत पसंद आता है। आपको कैसा लगता है, कौन सा गाना सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, आपने कौन कौन सा सुना है मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं भी सुन सकूं और अपनी राय कुछ बना सकूं। तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, और लाइक कर दिया करिएगा ताकि आप लोगों को कैसा लगता है ये मुझे पता चले। और जैसे आपके जो दोस्त हैं, जैसे आपके कोई अंकल हो गए वो आपके दोस्त हैं, कोई दादाजी हैं, कोई नानी हैं, मम्मी को कभी के पास अगर फ़ोन है तो उन्हें ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि उन लोगों
को बहुत 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 ज़्यादा फेवरेट हुआ करते थे मुकेश पुराने लोगों को, और उन्हें थोड़ा सा खुशी दे दीजिएगा और उन्हें ये वीडियो शेयर ज़रूर करिएगा, फुल वॉच तो ज़रूर करिएगा। चलते हैं एक अच्छे से वीडियो के साथ, मिलेंगे।